ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सतीश शर्मा योगा हेल्थ चैनल में। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा, एक ऐसे पर्सन से जिनसे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मतलब लाइफ में बहुत कम ऐसे लोग आइडल मिलते हैं जो कि ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर तक जाते हैं। और हमारे साथ अभी हैं शोभा राजभर। मैं इन्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ। ये हमारे फैमिली के लिए, मतलब हमारी जो पूरी फैमिली है, तब से मुझे याद भी नहीं है कि इनको भी याद नहीं होगा, बचपन से हमारे फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे परिवार के हिस्सा ही बन चुके हैं। मतलब अपना पूरा जीवन काल हमारे फैमिली के सेवा में इन्होंने लगाया हुआ है, हमारे पूर्वजों के। इनके बहुत से, मतलब घर में कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाकी लोगों की बातों को न मान के अगर ये कोई विचार करते थे तो इनके बातों को माना जाता था। ये शोभा राजभर जी, जिन्हें हम प्यार से कक्का कहते हैं सारे बच्चे, तो ये हमारे फैमिली के सिर्फ काम करने वाले एक सदस्य नहीं बल्कि एक मेंबर हो चुके, जैसा मैंने बताया। शोभा राजभर जी, आप इनके बारे में अगर बताओ तो इनकी उम्र है फिलहाल 80 ईयर्स, 80 साल के हैं, 80 साल के। और ये 80 साल के उम्र में भी अभी बहुत तंदुरुस्त हैं। इनकी ऐप्स दिखाऊंगा मैं, इनकी ऐप्स जो है बहुत पावरफुल है। बचपन से ही ये इतने मेहनती और कुश्ती लड़ा करते थे। ये मूछे जो है मैंने आज तक इनकी देखी है। कक्का थोड़ा मूछों को ताव लगा के दिखाइए ऐसे। तो ये हमने बचपन से देखा। मतलब ही इज पैशनेट अबाउट द बॉडी बिल्डिंग, मेहनत करना, शरीर को एकदम हुष्ट पुष्ट रखना। यानी कि आप सब जो, जब 80 साल है, जहाँ पे कि जिम का कोई ट्रेंड नहीं था, न मसल्स बनाने का कोई ट्रेंड था, तब से बहुत ही पावरफुली और बहुत लगन से, और इनके जैसा ईमानदार इंसान भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ हमारे घर के एक काम करने वाले पर्सन न होकर हमारे फैमिली के एक सदस्य हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना प्यार परस्पर बोलते हैं ना, आदमी के पास पैसा बहुत कुछ है लेकिन प्यार देना और लेना आना चाहिए, वो हम इनसे सीख सकते हैं, शोभा कक्का से। शोभा कक्का बहुत ही अच्छे एक इंसान है, तंदुरुस्त। अब हम उनकी थोड़ी सी बॉडी देखते हैं। कक्का, अपने ऐप्स को दिखाइए। आप देखिए इनके ऐप्स, ऐप्स आप देख रहे हो इनके, विदाउट एनी प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं है इसमें, ठीक है। ये नेचुरल ऐप्स है। आप देखो 80 साल के उम्र में, 80 ईयर्स की उम्र में, यू कैन सी दिस ऐप्स, सच ए पावरफुल पर्सन। ये होती गांव की मिट्टी, गांव के लोग ऐसे होते हैं। आप देख सकते हो अभी वो थोड़ा ताव दे रहे हैं, शोभा कक्का एकदम अपने रूप में, यानी कि जब वो थे उस एज में। लेकिन आज भी देखो ऐप्स बोलते हैं ना कि नज़र आ रहा है, देखिए दोस्तों, सी दिस इज़ द ऐप्स ऑफ 80 ईयर्स, 80 साल के पर्सन की ये ऐप्स है। और ऐसे लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सरकार बस क्योंकि क्या है, फैसिलिटीज़ की अभाव। और तब 80 साल के पहले भी अगर मैं बात करूं तो जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ती गई है। शहर में बहुत कुछ है लेकिन गांव के लोग क्यों इतना तंदुरुस्त, चुस्त, फुर्तीले रहते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना जानते हैं। दे वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में जिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। काका कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बोलिए, सब स्वस्थ रहिए, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हिंद, जय हिंद। क्या बात है। दोस्तों, जाने के पहले कुछ उनकी रूटीन के बारे में शेयर करना चाहूंगा कि मुझे भी उत्सुकता थी कि व्हाट इज द सीक्रेट, स्टिल लाइक अबाउ 80, 80 साल होने के बावजूद क्या है ऐसा, मतलब कि आप जो खाना खाते हैं, और ये क्योंकि उन्होंने ज्यादा बात नहीं किया तो मुझे पता चला कि जब सुबह उठते हो मॉर्निंग में, व्हेन ही वेकअप्स, तो उनका कहना है कि देसी गुड़ जो होता है, देसी गुड़, मतलब बिना कुछ ब्रश वगैरह करने के बाद, वहां तो दातुन करते, नीम की दातुन बोलते, उसके बाद ना देसी गुड़ जो होता है जिसको भेली कहते हैं, उस भेली को यानी गुड़ को पहले खाते हैं फिर पानी पीते हैं। और ब्रेकफास्ट में यू सरप्राइज टू नो कि जो चना होता है, रेगुलर चना, ठीक है, देसी चना जो होता है, उसको बोलते हैं रात को ही भिगा लेते हैं, रात को भिगा लेते हैं, और सुबह इन मॉर्निंग यू कैन सी
सम स्प्राउट या फिर थोड़ा एक खिल जाता है और उस चना का जो उस क्रैम्स का जो पानी होता है उस पानी को भी वो छान के पी लेते हैं और फिर उसके बाद उस चने को थोड़ा ऑनियन टमाटोज के साथ बोलते हैं उसको खाता हूँ डेली, मतलब डेली वो है और बोलते हैं उससे उन्हें इतनी ताकत इतनी स्फूर्ति मिलती है, बॉडी इतना एक्टिवेट होता है कि और कुछ एनर्जी की या और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बोलते हैं बहुत ही उससे ताकत होता है। सोचो कितनी अद्भुत सी बात है। और हम क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स के पीछे जाते हैं, ये चाहिए विटामिन चाहिए ये चाहिए, जबकि आप देख सकते हो कभी बीमार नहीं पड़ते आज तक, मतलब बोलते हैं कि उनको ऐसे कभी बीमार, हल्का सा सर्दी खांसी हुआ बट ऐसा मेजर कुछ बुखार या कुछ आज तक नहीं हुआ है। सो दिस इज अ सीक्रेट, मतलब यू हैव टू ईट योर लोकल फूड जो आपके पूर्वज खाते आ रहे हैं। हम लोग क्या है, टिन्स के कंटेंट्स के, यहाँ की प्रोटीन, यहाँ के शेक, सब ये सब खाते हैं, बट सिर्फ गुड़ और चना में सोचो कितना ताकत है कि बॉडी को इतना रिस्ट पुष्ट रखता है। तो हमें अपने लोकल फूड के साथ साथ जितना हो सके नेचुरल जो फूड है जो प्रकृति ने दिया है, वी हैव टू ईट दैट थिंग्स एंड मेक योर फिटनेस एट वेरी हाई लेवल। तो उनका कहना है कि अगर आप चने को भिगा के पानी में रखते हो और सुबह उसका पानी भी पी लो और फिर चना को भी खाओ और उसके पहले गुड़ जो होता है जिसको भेली बोलते हैं देसी गुड़, वो खाने से बोलते बहुत ताकत आती है शरीर में। सोचो ये उनका एक सीक्रेट हेल्थ टिप्स था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये गांव का वीडियो है वाराणसी और कुछ समय पहले ही गया था मैं वहां पे, बट आज मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ किसी हाउ द पीपल आर देयर गांव में जो खेती वगैरह करते हैं और काफी सालों से हमारे फैमिली के लिए खेती कर रहे हैं। इज जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर टू अस। मेन चीज इनका कहना है कि हमेशा खुश रहना चाहिए। वॉट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है सोचो वो बहुत ही आपके पास, तृप्त हो जाओ और खुश रहो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद, सी यू सून, थैंक यू सो मच।